हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा कंप्लीट किया है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ महाराष्ट्र के टॉप 30 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वहाँ पर कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं और साथ में उनका कट ऑफ भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये कोई कॉलेज की रैंकिंग नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट है। वहाँ ये सभी कॉलेजेस अच्छे ही कॉलेजेस हैं और वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट है, तो ये सभी पॉइंट मैंने कंसिडर किया है और ये लिस्ट बनाई है, सभी कॉलेजेस अच्छे ही कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये कोई रैंकिंग नहीं है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं टॉप 30 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। तो पहला कॉलेज है जो कि मुंबई में है, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद्या विहार, और यहाँ पे ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज इंडिया के टॉप 100 बेस्ट कॉलेजेस में माना जाता है और यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, मोर देन 90% प्लेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है, और अगर आपके लिए मोर देन 92% मार्क्स है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद्या विहार। उसके बाद दूसरा कॉलेज है जो कि पुणे में है, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और इसको PICT भी बोला जाता है, और यहाँ पे जो ब्रांचेस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक कॉलेज इसकी प्लेसमेंट की वजह से जाना जाता है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट मिलता है वो 100% प्लेसमेंट होता है और एवरेज पैकेज जो स्टूडेंट्स को मिलता है वो 6 से 7 लाख होता है, और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपके लिए परसेंटेज जरूरी है मोर देन 94%। क्यों? क्योंकि इसका जो कट ऑफ होता है वो COEP के करीब ही रहता है, आसपास ही रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉलेज है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, जो कि कोथरूड में है, और यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, पॉलीमर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल। तो जिन स्टूडेंट को पॉलीमर, केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो गुड, और यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो मोर देन 80% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है, और आपके लिए अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो मोर देन 90% अगर आपको मार्क्स है तो यहाँ पे आप एडमिशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉलेज है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी TCET कांदिवली, जो कि मुंबई में है, और यहाँ पे ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा है, मोर देन 80% प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो कट ऑफ हो सकता है वो मोर देन 88%, ठीक है। अगर आपको 88% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन अपना कर सकते हैं, हो सकता है आपका एडमिशन। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, जो कि पुणे में है, बिबवेवाड़ी, और यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, मोर देन 85% प्लेसमेंट इस कॉलेज का है, और यहाँ पे अगर आपके लिए एडमिशन लेना है तो आपके लिए कट ऑफ हो सकता है मोर देन 88%, ठीक है। तो ये हो गया VIT। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है SCOE, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वड़गांव, यहाँ पे ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा आप इंक्वायरी करो कि वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि 1-2 साल पहले वहाँ पे कुछ इश्यूज हो चुके थे, तो यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले आप थोड़ा सा इंक्वायरी करो। अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, मोर देन 75% प्लेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स का हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए अगर मोर देन 85% मार्क्स है तो SCOE सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आप एडमिशन कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज भी पुणे में ही है, यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी फीस जो है फी थोड़ी सी ज़्यादा होती है सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा है, मोर देन 85% या फिर 95% से ज़्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट स्टूडेंट्स का हो जाता है, और अगर आपको मोर देन 88% मार्क्स है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है MKSSS कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन पुणे। ठीक है, तो ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज में कॉलेज गिना जाता है। यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो गर्ल्स और यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट इज मोर देन 80%, और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है गर्ल्स स्टूडेंट्स को, तो आपके लिए मोर देन 88% अगर मार्क्स है तो यहाँ पे आप आपका एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग PCCOE। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस हैं। एक्चुअली इसके दो ब्रांचेस हैं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब दोनों कॉलेज में से एक कॉलेज में आपका एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, मोर देन 75% यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और आपके लिए अगर मोर देन 85% मार्क्स है तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आकुर्डी पुणे। ये कॉलेज भी बढ़िया कॉलेज है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, मोर देन 75% यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। अच्छी कंपनीज यहाँ पे कैंपस ड्राइव के लिए आती है। ब्रांचेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन में डिग्री करनी है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है मोर देन 85%। अगर आपको 85% से ज़्यादा मार्क्स है तो यहाँ पे आप आपका एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आकुर्डी पुणे। तो चलो दोस्तों, अगला कॉलेज है उसरुवाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गार्डन पुणे। ये भी पुणे के सेंट्रल लोकेशन में स्थित है, और यहाँ पे ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पे अगर आपको 85% से ज़्यादा अगर मार्क्स है फाइनल ईयर डिप्लोमा में, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, मोर देन 80% प्लेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है SKN श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वड़गांव। ये एक सिंहगढ़ ग्रुप का ही एक ब्रांच है, और यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 85% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट भी अच्छा है यहाँ पे, मोर देन 75% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छे कंपनी में हो जाता है SKN कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है PVG पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और ए बी कॉलेज पुणे के सेंट्रल लोकेशन में है, और यहाँ पे जो ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो यहाँ पे आप एडमिशन आपका कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कट ऑफ हो सकता है मोर देन 84% अगर मार्क्स है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है ITM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, जो कि नागपुर में है, और यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको मोर देन 80% मार्क्स है तो आपका एडमिशन इधर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है अमृत वाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक पुराना कॉलेज है, इफ़ यू सी हियर एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1983। जितना कॉलेज पुराना होता है उतना कॉलेज अच्छा होता है, यानी कि क्वालिटी, प्लेसमेंट या फिर फैसिलिटीज़ ये सब अच्छी होती है। तो अमृत वाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ओल्ड कॉलेज है, तो आप यहाँ पे आपका एडमिशन कर सकते हैं। ब्रांचेस अवेलेबल आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर आपको मोर देन 82% से ज़्यादा मार्क्स है, या फिर यूँ कहें कि 80% से अगर आपको ज़्यादा मार्क्स है, तो आप अमृत वाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगमनेर में आपका एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो ये कॉलेज शिवाजीनगर में है, और यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, और जो
प्लेसमेंट जो है वो मोर देन 75% से ज़्यादा प्लेसमेंट यहाँ पे मिलता है, और आपके लिए कट ऑफ रहेगा मोर देन 80%। अगर आपको मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, AISSMS। ये भी पुणे के सेंट्रल लोकेशन में कॉलेज स्थित है, और यहाँ पे ब्रांचेस है मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपको मोर देन 82% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट भी अच्छा है इस कॉलेज का, AISSMS। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर। ये भी एक नागपुर का बेस्ट कॉलेज है, और यहाँ पे मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इतने सारे ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा है। मोर देन 65% से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं अच्छे कंपनी में, अच्छा कॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है वो नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, ठीक है। ये मुंबई में, मुंबई का कॉलेज है, और यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप आपका एडमिशन कर सकते हैं अगर आपको मोर देन 80% से ज़्यादा मार्क्स है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है रामराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू नवी मुंबई। ये कॉलेज भी मुंबई में है, तो यहाँ पे भी आप आपका एडमिशन कर सकते हैं। ब्रांचेस अवेलेबल आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अगर आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांचेस जो अवेलेबल है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है संजय गोड़ाउत यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। ये कॉलेज कोल्हापुर सिटी से नियर अबाउट 20 किलोमीटर दूर दूर है, और यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, संजय गोडावत यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्या प्रतिष्ठान बारामती। एक कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे जो एजुकेशन आपको मिलता है वो क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, और ब्रांचेस अवेलेबल आर मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आपको मोर देन 80% मार्क्स है तो आपका विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया विद्या प्रतिष्ठान बारामती। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है VIIT कोंडवा। एक्चुअली दिस इज अ वन सब ब्रांच ऑफ VIIT कॉलेज, ठीक है। एक कोंडवा में है, पुणे कोंडवा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांचेस अवेलेबल इन दिस कॉलेज आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक नया कॉलेज है, 8 साल पहले एक कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुका है, फिर भी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, मोर देन 70% स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे कंपनी में प्लेस हो जाते हैं। अगर आपको मोर देन 78% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामपुर सांगली, RIT सांगली, ठीक है। ये भी एक पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, और यहाँ पे जो ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिन स्टूडेंट को ऑटोमोबाइल में डिग्री करनी है तो यहाँ पे आप आपका एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको मोर देन 80% मार्क्स है तो RIT सांगली में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है KK बाग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च नासिक, जो कि नासिक में है। ब्रांचेस अवेलेबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, केमिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपका एडमिशन कर सकते हैं अगर आपको मोर देन 78% से अगर ज़्यादा मार्क्स है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे जो दो ब्रांचेस है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये दो ब्रांचेस यानी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो न्यू ब्रांचेस यहाँ पे हैं। अगर आपको इस ब्रांच में डिग्री करनी है तो आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, और जो कट आउट रहेगा वो 78%, और यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो मोर देन 65% से ज़्यादा प्लेसमेंट एक कॉलेज का है।
उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ए कॉलेज विदर्भा में चंद्रपुर में है, और यहाँ पे ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट की प्लेसमेंट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोर देन 60% का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है BIT चंद्रपुर, ठीक है। और अगर आपको मोर देन 75% मार्क्स भी है तो यहाँ पे आप आपका एडमिशन कर सकते हैं इन ब्रांचेस में, ठीक है, बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंद्रपुर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है MET भुजबल नॉलेज सिटी नासिक, ठीक है, जो कि नासिक आई थिंक अड़गांव में ही कॉलेज है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। और यहाँ पे जो ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको यहाँ 78% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसमेंट जो है मोर देन 60% प्लेसमेंट स्टूडेंट्स का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिंपरी पुणे, ठीक है, जो कि पिंपरी में है। ब्रांचेस अवेलेबल आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट जो है मोर देन 65% से ज़्यादा प्लेसमेंट है, अच्छा कॉलेज है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी गुड, यू कैन टेक एडमिशन हियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद MIT, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। अगर आपको मोर देन 70% मार्क्स है, मोर देन 70% या फिर 75% से ज़्यादा अगर आपको मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन आपका कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी ब्रांचेस में। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो ये थे सभी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और इससे पहले का जो मेरा वीडियो था टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, अगर उसको आपको देखना है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।